नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंड एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। बात करते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि मीटर्ड क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट को पास करता है, या फिर बात करें जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके फ्लो को रेगुलेट करने का फंक्शन करता है इवेपोरेटर के लिए। यहां पे हम बात कर रहे हैंड ऑपरेटेड टाइप एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, मींस वो एक्सपेंशन वाल्व जो कि हैंड से ऑपरेट होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये किसके बीच में होता है, कहां पे ये लगा रहता है। ये जो एक्सपेंशन वाल्व है ये लगा रहता है जो हमारा कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा और फिर उसके बाद रिसीवर में जाके कलेक्ट होगा। तो रिसीवर और हमारा जो इवेपरेटिंग क्वाइल्स होती है, जो चीलिंग का फंक्शन करती है, जो कूलिंग का काम करती है, जो वहां पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती है, तो उनके बीच में लगा रहता है। मेनली अगर बड़े कंपोनेंट की बात करें तो ये कंडेंसर और इवेपरेटिंग क्वाइल्स के बीच में लगा रहता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है एक्सपेंड करने का, ताकि उसका प्रेशर भी लो हो जाए और टेम्परेचर भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लो हो जाए। जैसे कंप्रेसर जो हमारा होता है उसका बेसिक फंक्शन होता है ड्यू टू कंप्रेशन जो वेपर्स है रेफ्रिजरेंट के उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का। जब ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो वेपर्स हैं वो कंडेंसर में पास होते हैं तो कंडेंसर कंडेंसेशन के द्वारा उसका टेम्परेचर तो लो कर देता है लेकिन प्रेशर उसका स्टिल वही रहता है। वही से मीनिंग उसका अभी भी ज्यादा ही रहता है, उतना तो नहीं रहता जितना कंप्रेसर से वो एग्जिट होता है, लेकिन प्रेशर उसका ज्यादा रहेगा रेफ्रिजरेंट का। अब वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जब इवेपरेटिंग क्वाइल्स में से पास होता है तो कंप्लीट वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको सबसे पहले हमें उसका प्रेशर लो करना होता है और टेम्परेचर भी लो करना होता है। तो वो फंक्शन करता है एक्सपेंशन वाल्व कि उसको एक्सपेंड करेगा, उसका प्रेशर भी कम कर देगा और वहां पे उसको टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर देगा। अब बात करते हैं इसके मेन मेन कंपोनेंट्स की। सबसे जो टॉप है ये होता है हैंड व्हील। एज द नेम इंडिकेट हैंड टाइप एक्सपेंशन वाल्व। तो हैंड व्हील एक होता है जो कि वहां पे जो ऑपरेटर खड़ा रहेगा वो इसको ऑपरेट करेगा अपने हैंड की सहायता से। ये आर्म लगी रहती है, इस आर्म की सहायता से हम वाल्व को ओपन और क्लोज करते हैं। ये वाल्व होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि वहां पे कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में एंट्री करनी है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की। ये इसकी आउटर बॉडी होती है जो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है और इसको रोटेट व्हील की सहायता से करने में मदद करती है। अब ये फंक्शन किस तरह से करता है? ये फंक्शन सेम उस तरह से करता है जैसे हमारे घर का नल होता है। जो हमारे घर का नल फंक्शन करता है वैसे ही ये भी फंक्शन करता है कि हैंड से उसको ऑपरेट करें चलाएं तो वहां से जब चालू करना है वाटर को तो उसको घुमाएंगे तो वहां से वाटर आ जाएगा, क्लोज करना है तो उसको क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे हैंड व्हील की सहायता से जो वो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा कि जब रिक्वायर्ड अमाउंट में जरूरत है वहां पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट की तो इसको वो ओपन कर देगा और जब जरूरत नहीं है तो इसको क्लोज कर देगा। लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वर्क किया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, जहां पे कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट होती है, मींस जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आइस प्लांट्स में जरूरत होती है, जो आइस प्लांट है उनमें रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कोल्ड स्टोरेज में, तो वहां पे एक मीटर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मींस एक कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट की जरूरत होती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो आराम से वो जो ऑपरेटर रहेगा वो इसको ऑपरेट करेगा, आराम से ओपन करेगा ताकि आसानी से वहां पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाए, उसका प्रेशर भी लो कर दे ये और उसका टेम्परेचर भी लो कर दे और वो फिर जाके उस इवेपरेटिंग क्वाइल्स में कंप्लीटली कन्वर्जन हो जाए वेपर्स में। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है वो यही रहता है कि बहुत ही सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही कम इसमें डिवाइसेज होते हैं तो बहुत ही सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही लो
रहती है एज कंपेयर टू अदर एक्सपेंशन वाल्व्स के, जैसे ऑटोमेटिक टाइप हो या कोई अदर टाइप हो, तो इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम इसकी कॉस्ट रहती है और ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, आसानी से ये ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो यही इसके बेनिफिट्स हैं। ये था दोस्तों हैंड एक्सपेंशन वाल्व। थैंक यू दोस्तों।